बेटा अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 अपन कर रहे हैं बेटा। रीवैल्यूएशन, अभी पूरा सम देखना आप लोगों से पूछूंगा कैसे होता है। पर्टिक्यूलर रुपीस, पर्टिक्यूलर रुपीस। आद्या आपका रीवैल्यूएशन का पहला लेक्चर है बेटा, ठीक है ना? तो ध्यान से समझना मैं जो बोलूं। अगर हमें किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी तरीके का प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, किसी भी तरीके का लॉस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। यहां मैंने बनाया बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। चार पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। सुरेश रमेश महेश गणेश। ये हमने चारों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया। सम को बेटा जितना सिस्टम से करोगे सम उतना ही जल्दी दिमाग में जाएगा। चलो देखते हैं बेटा क्या लिखा है। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:3:3। सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, ओल्ड रेशियो दिया है हमको 2:2:3:3। ऑन 1st April 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब न्यू रेशियो 1:1:1:1। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया बेटा तब हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। कौन बोलेगा सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू। सुरेश, सुरेश का ओल्ड रेशियो है 2/2 + 2 = 4 + 6 = 10। न्यू रेशियो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 = 8 - 10 = 10 / 10 = 40 8 - 10 = 5/20। हाँ ठीक है, आप 2/40 लिखोगे तो भी चलेगा ना, या 1/20 करना पड़ेगा, 2/40 लिखो तो भी चलेगा। रमेश, रमेश का ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस न्यू रेशियो 1/4 2 = 8 - 10 = 10 / 40 -2/40। महेश, ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो 1/4 3/4 = 12 -10/40 2/40। गणेश, ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो 1/4 3 = 12 -10/40 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कोई डाउट बेटा किसी को? नाउ आगे बढ़ेंगे बेटा। फॉर दिस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹90,000। अब फर्म की गुडविल 90,000 है। बच्चों ध्यान से समझना बेटा, मैंने अभी अभी एक सेंटेंस आपको बोला बेटा कि जब नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। सुरेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट, जो पॉजिटिव है उनको क्रेडिट करेंगे टू महेश अकाउंट, टू गणेश अकाउंट। अब गुडविल कितनी दी हुई है बेटा? 90,000। 90,000 इंटू 2/40 करो, देखो सुरेश का अमाउंट कितना आ रहा है बेटा। 90,000 इंटू 2/40 करो बेटा, देखो सुरेश का अमाउंट कितना आ रहा है। 4500। सेम रमेश में भी आ जाएगा बेटा 4500, सेम महेश में भी आ जाएगा 4500,
सेम गणेश में भी आ जाएगा 4500। अब इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे ध्यान से समझना बेटा। सुरेश अकाउंट डेबिट, ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट। सुरेश अकाउंट डेबिट, डेबिट में सुरेश में लिखेंगे 4500। रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश में डेबिट में लिखेंगे 4500। सुरेश ने 4500 दिए, रमेश ने 4500 दिए, किसको? महेश एंड गणेश टू MH। क्लियर बेटा यहां तक पोस्टिंग? क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पोस्टिंग क्लियर? यस यस सर। बेटा नाम पता, हाँ बोलो, ऐसे नाम पता चले बोल देने का। सुरेश अकाउंट डेबिट है 4500, तो डेबिट में सुरेश में लिखेंगे 4500। रमेश अकाउंट डेबिट है 4500, तो डेबिट में रमेश में लिखेंगे 4500। इन दोनों ने 4500-4500 दिए, किसको? MNG को, तो टू MNG। क्लियर बेटा? तो मतलब कि सुरेश और रमेश का दोनों में 4500 ही ना? यहाँ पे ना बेटा ये देखो एंट्री के हिसाब से जाओ, सुरेश में कितना है 4500, रमेश में कितना है 4500। अगर यहाँ पे 4500 और यहाँ पे 5000 होता तो अपन सुरेश में 4500 और रमेश में 5000 लिखते। ओके बेटा, नाउ 2M2G, 2 मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट में M में लिखेंगे 4500। M को 4500 मिला, G को 4500 मिला, कहां से मिला, किसने दिया? S और R ने, by S and R। पॉइंट क्लियर बच्चों? बच्चों पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है ना बेटा? ना पता चले फिर बोल रहा हूं बेटा, पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड ₹1,00,000। हमें वर्कर का ₹1,00,000 का क्लेम पे करना है। अब ऊपर देखो बेटा, हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े? 75,000। मुझे ₹1,00,000 देना है, 75,000 मेरे पास पड़ा है, तो मुझे और कितने पैसे चाहिए होंगे बेटा? 25,000। ये मुझे और देने हैं, देने हैं मतलब लॉस, और मैंने आपको बताया बेटा कि लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू क्लेम 25,000। ये तो एक इफेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का रूल है बेटा कि हर एक की दो इफेक्ट होती है। स्टूडेंट्स मेरे सामने ₹1,00,000 का क्लेम हुआ है, मतलब मुझे वर्कर को क्लेम का पैसा देना है, और हमें जब किसी को पैसा देना होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में लिखेंगे वर्कर्स क्लेम ₹1,00,000, और जब हमारे पास पैसा कहीं से आने वाला होता है वो अपनी असेट होती है। क्लियर बेटा वर्कर क्लेम का पॉइंट? यस सर। बढ़ू आगे बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ कंटिन्यू। Fixed assets will be depreciated by 10%. Fixed assets की value 10% कम होगी, ये हमको आद्या बताएगी। आद्या आपकी asset की value कम हो गई तो ये आपके लिए profit है कि loss है बेटा? Loss। Loss है, तो revaluation के debit में लिखेंगे to fixed assets। ऊपर fixed assets check करो कितनी है बेटा? 6 lakhs। उसका 10% मतलब 60,000। ये तो एक इफेक्ट हुआ। अक्षा फिक्स्ड असेट्स की दूसरी पे क्या लिखेंगे? अक्षा बताएगी, भले गलत जाए अक्षा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षा कहाँ चली गई? अच्छा फिक्स्ड असेट्स क्या लिखेंगे बेटा? सेकंड इफेक्ट, भले गलत तो गलत ट्राई करो। क्या सर? कुछ आप ट्राई करो बेटा, फिक्स्ड असेट्स कहाँ जाएंगी? सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड नहीं, एक तो डेबिट में आ गया बेटा, लॉस था इसलिए अपन ने रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिखा। दूसरी इफेक्ट कहां लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स की? क्रेडिट साइड नहीं, नहीं सर, असेट साइड। यस असेट्स में बेटा, असेट्स में लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स, इनर कॉलम में 6 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू 60,000 रुपया कम हुई, 5,40,000। वर्कर्स क्लेम और फिक्स्ड असेट्स का डेप्रिसिएशन, दोनों पॉइंट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बढ़ेंगे बेटा।
the capitals of the partners will be adjusted according to the new ratio. अब इस पॉइंट के लिए हमें पहले जो जो चीजें बची हुई है बेटा उनको पहले खत्म करना है. मेरे क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं असेट्स में देखूं तो मुझे दो असेट्स हैं, एक फिक्स्ड असेट्स वो मैंने लिख दिया है, दूसरा करंट असेट है. अभिषेक करंट असेट्स कहां लिखेंगे बेटा, ट्राई करिए प्लीज. असेट्स में, असेट्स में लिखेंगे करंट असेट्स. करंट असेट्स हैं 3,45,000 के. उसके बाद मुझे चारों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है. देवांश ट्राई करो ना बेटा, चारों पार्टनर्स का कैपिटल कहां लिखेंगे? सर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बेटा. हमेशा स्टूडेंट्स पार्टनर्स का कैपिटल है वो लायबिलिटी में दिया हुआ है. लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट. ये चीज याद रखनी है. कैपिटल लायबिलिटी में दिया है बेटा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सुरेश का कैपिटल 1 लाख, रमेश का कैपिटल 1,50,000, महेश का कैपिटल 2 लाख एंड गणेश का कैपिटल 2,50,000. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. संड्री क्रेडिटर्स है 1,70,000 के. राधिका, राधिका बताएगी, राधिका क्रेडिटर्स कहां जाएंगे बेटा? राधिका हेनिन आप बताओ बेटा, हेनिन क्रेडिटर्स कहां लिखेंगे? सर लायबिलिटी साइड. यस, लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 1,70,000. अब स्टूडेंट्स बारी आती है टोटलिंग की. अब आप लोग क्या करो बेटा, पहले यहां तक सम कंप्लीट करो क्योंकि मुझे ये सब रब करना पड़ेगा. तो पहले आप लोग यहां तक सम कंप्लीट करो तो मैं आगे की टोटलिंग सिखाऊंगा. चलो फटाफट. Done, sir. 2 मिनट बेटा, सबका कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं. सर क्या फिर किसी का छूटना नहीं चाहिए? Done, sir. सबका कंप्लीट हो गया बच्चों? Yes, sir. कोई ऐसा जिसका बाकी हो बेटा? अक्षय आपका कंप्लीट हो गया बेटा? Yes, sir. आपका हो गया बेटा? सर मैं अभी नहीं लिख रही, मैं वीडियो से देख के लिख लूं तो चलेगा क्योंकि मैं अभी समझ रही हूं तो. ओके नो प्रॉब्लम बेटा. थैंक यू सर. ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट निकाल देने का बेटा. यस सर. उधर क्या आपको नोट डाउन करना इजी हो जाए. बट स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी मेथड भी है एक, कि आप लोग आराम से पहले सम देख लो फिर उसको लिखो या साथ साथ में लिखो या दूसरी बार फिर से रात को लिखो सम को, तो आपको कहां पे ट्रबल है ना वो पता चल जाएगी बेटा. अब स्टूडेंट्स हम लोग टोटल करना शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से समझना. सबसे पहले रिवैल्यूएशन का टोटल करें बेटा. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 85,000, कोई 85,000 रखेंगे यहां पे बाय कैपिटल अकाउंट. ये 85,000 का जो डिफरेंस है बेटा ये हमारा लॉस है, इसको सुरेश रमेश महेश और गणेश उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 2,2,3,3 में. 85,000 को 2,2,3,3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा. 85,000 को 2,2,3,3 में डिस्ट्रीब्यूट करो मतलब मेरे हिसाब से 17,000 25,500. एक बार वेरीफाई करना ना प्लीज बच्चों.
करेक्ट है ना बेटा स्टूडेंट्स? यस। नाउ यहाँ पे क्रेडिट है बेटा, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू रिवैल्यूएशन 70 70 25 500 25 500। अब बेटा जो लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने बोली है वो पहले क्या कहना चाहते हैं ना बेटा वो हम लोग समझेंगे। वो लिख रहे हैं कि द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। चारों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में मेंटेन करनी है। अब चारों पार्टनर्स की पहले कैपिटल फाइंड करेंगे। सुरेश, सुरेश का क्रेडिट का टोटल 1 लाख और डेबिट का टोटल 1 लाख में से इसको माइनस करेंगे बेटा 21,500 गया, 1 लाख में से 21,500 गया बेटा, 20,000 गया मतलब 1,500 और गया मतलब 78,500। प्लीज वेरीफाई स्टूडेंट्स। सेम में रमेश 150 में से 21,500 जाएगा, तो 150 में से 20 गया मतलब 130 और 1500 और गया मतलब आई थिंक 1,28,500। बच्चों प्लीज वेरीफाई। महेश 2,04,500 उसमें से 25,500 गया, 500 गया 2,04,000 से 25,000 गया 179। बेटा वेरीफाई करना, ऐसा नहीं कि सर कर रहे हैं तो तुम लोग वेरीफाई ना करो, वेरीफाई करना एक बारी। 250 बेटा चारों आंसर्स देख लेना एक बार करेक्ट है। यस सर। यस सर। अब इसका टोटल करिए बेटा। सर एक बार मेरे को फॉर्मूला बता दो ना फिर से कैसे किया। सुरेश का क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, रमेश के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, सेम चीज महेश और गणेश में किया। क्लियर बेटा? ओके सर। अब इन चारों का टोटल करिए बेटा। चारों का टोटल करिए बेटा। अरे सब लोग हो गए चले गए सर। 6,15,000। 6,15,000 ओके। अब 6,15,000 बेटा ये चारों का कैपिटल है, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा चारों में सुरेश रमेश महेश और गणेश इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1:1। 6,15,000 का इक्वल रेशियो बेटा 1,50,000 शायद ना बेटा। बेटा प्लीज वेरीफाई करना स्टूडेंट्स, इसको 153,750 हर एक पार्टनर का आ रहा है बेटा। करेक्ट है बेटा? 6,15,000 अब ये जो ना बेटा ये न्यू कैपिटल है, तो न्यू कैपिटल कहां पे आता है? ओल्ड कैपिटल हमने यहां पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, न्यू कैपिटल हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। एस में 153,750, रमेश में 153,750, महेश में 153,750 एंड गणेश में 153,750। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। आगे क्या लिखा है बेटा इन्होंने, पूरे एडजस्टमेंट को फिर से समझेंगे। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। फॉर दिस necessary cash will be brought or paid by partners, the case may be। हमने क्या किया बेटा, पहले पहले सुरेश रमेश महेश गणेश उनका क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, चारों के अमाउंट्स लिखे,
टोटल किया, उस 6,15,000 को न्यू रेशो 1111 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमको चारों का नया कैपिटल मिला। अब जो भी इनका डिफरेंस आ रहा है ना वो हमको कैश में लेके जा रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सुरेश, देखो सुरेश का डेबिट का टोटल ज्यादा है तो सुरेश का डेबिट का टोटल करिए 1,53,750 plus 17,750 1,75,250 एक बार वेरीफाई करना बेटा। डेबिट का टोटल ज्यादा है 4,500 प्लस 17,000 प्लस 1,53,750 1,75,250। वही स्टूडेंट्स डेबिट का टोटल क्रेडिट में रखेंगे 1,75,250, जो डिफरेंस है बेटा वो जाएगा कैश में 75,250। अब ये यहां पे मैं नीचे कैश अकाउंट बना रहा हूं बेटा, कैश अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज, ये क्रेडिट है तो कैश का उल्टा कैश में डेबिट में आ जाएगा 2S 75,250। बेटा सुरेश की कैलकुलेशन क्लियर हो गई सबको? यस सर। अब इसी तरीके से रमेश, रमेश में भी बेटा डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट का टोटल करेंगे 4,500 प्लस 17,000 प्लस 1,53,750 तो आया 1,75,250। वही आएगा यहाँ पे 1,75,250, 1,50,000 माइनस करेंगे उसमें से तो बाकी बचेगा 2,52,50। अब यहाँ पे ये क्रेडिट है बेटा आगे तो कैश के डेबिट में आ जाएगा 2R 25,250। बेटा आर का कैलकुलेशन क्लियर सबको? यस सर। एम का टोटल, एम में क्रेडिट का ज्यादा है बेटा तो 2,04,500 2,04,500 अब माइनस करेंगे 2,04,500 माइनस 1,53,750 माइनस 25,500 तो बचा 25,250। यहां पे लिखेंगे टू कैश, यहां पे डेबिट है, यहां पे क्रेडिट में लेके आएंगे बाय एम 2,52,50। अब ऐसे ही जी, जी का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 2,54,500 माइनस 25,500 माइनus 1,53,750 तो 75,250। यहाँ पे क्रेडिट आया, सॉरी यहाँ पे डेबिट आया तो कैश के क्रेडिट में बाय जी 75,250। बेटा यहां तक की कैलकुलेशन एक बार फिर से, पहले रीवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल किया, वही क्रेडिट पे रखा, जो 85,000 का डिफरेंस था वो SRMG में ओल्ड रेशियो 2:2:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां क्रेडिट था तो यहां पे डेबिट पे लिखा टू रीवैल्यूएशन 17,17,25,500 फिर क्या किया SRMG, चारों के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया तो ये उनके कैपिटल बचे, उनका टोटल किया 6,15,000 उसको SRMG में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट में जाती है तो क्लोजिंग कैपिटल डेबिट में आती है, तो बैलेंस ये 153,750 चारों पार्टनर्स में लिखा। सुरेश का डेबिट का टोटल ज्यादा था तो पहले डेबिट का टोटल किया, वो क्रेडिट में रखा, उसमें से 1,00,000 माइनस किया तो बचा 75,250। यहां क्रेडिट में बचा तो उसको कैश के डेबिट में लेके आए। सेम चीज, रमेश का डेबिट का टोटल ज्यादा था
वही डेबिट का टोटल इधर क्रेडिट पे रखा, डिफरेंस निकाला 25250, उसको यहाँ पे डेबिट में ले लिया। महेश का क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, वो क्रेडिट का टोटल किया, उसको डेबिट में रखा, डिफरेंस निकाला तो 25250 टू कैश लिखा, यहाँ पे डेबिट है तो उसको यहाँ पे क्रेडिट पे लिखा। सेम चीज गणेश का क्रेडिट का टोटल किया, वही डेबिट में रखा, डिफरेंस निकाला 7250, उसके सामने टू कैश लिखा, यहाँ पे डेबिट में आया तो उसको यहाँ पे क्रेडिट पे लिखेंगे। बच्चों यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछें। बढ़ो आगे बेटा। यस सर। यस सर। अब कैश हमेशा टैली आना चाहिए, 70/250 प्लस 20/250, 1,05,000, वही यहां पे 1,05,000 कैश हो गया आपका टैली। अब ये जो कैपिटल है बेटा, ये कैपिटल अपन लेके आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कैपिटल सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, 153750, 153750, 153750, 153750, इन सबका टोटल 615,000 बाहर। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखते हैं मैच हो रहा है बेटा। 6,15,000 प्लस 1,00,000, 7,15,000, 8,15,000, 8,85,000 लायबिलिटीज का वेरीफाई करना बेटा। 5 और 3, 8,00,000, 8,85,000 दोनों तरफ का आंसर मैच हो गया। सर मैंने ये गलती की, क्यों कैश अकाउंट बनाया ही नहीं? बनाना पड़े ना बेटा, उसके बिना अपन वेरीफाई नहीं कर सकते। ओ, इसलिए कब से वेरीफाई नहीं हो रहा था? सम क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स यस यस सर। ओके अब बेटा इसी का ही एक टाइप का और ऐसा सम बाकी है बेटा, आज कंप्लीट करना था लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो डिस्कशन हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के आगे के लिए। वेडनेसडे फ्राइडे को हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 5 हम लोग एडमिशन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एडमिशन चैप्टर आप लोगों का टोटल 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स परसों से लेके बेटा कोई भी लेक्चर मिस ना करें, ये चीज का ध्यान रखना। अभी जिनका ये सम हो गया बेटा वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, जो चीजें समझाई अप्लाई करना आज से लेके। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा। सर बाय। यस 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 सर। ऑफलाइन कब स्टार्ट होंगे क्लासेस? गवर्नमेंट कल बोले मैं कल से चालू करो हम तो वेट कर रहे हैं बेटा, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं, बाउंडेड बाय द डिसीजन। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ बेटा। बाय सर। बाय बेटा।